नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जून बुधवार दोपहर 3 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर ब्रह्मा कॉलोनी का प्लम्बर जो कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया था, 2 बार की जांच के बाद वह नेगेटिव हो गया है। उसको कोविड-19 वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पीएमओ ने बताया कि इस रोगी को भी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। वहीं मुंबई से आई महिला भी मंगलवार शाम को जांच के उपरांत कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। श्री गंगानगर जिले से मंगलवार शाम को 73 लोगों की सैंपलिंग कर उसको जांच के लिए बीकानेर भिजवाया गया है। इनमें 70 की रिपोर्ट बुधवार सुबह प्राप्त हो गई है। सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। 3 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पीएमओ डॉक्टर के एस कामरा के अनुसार 2373 लोगों की कल तक सैंपलिंग की जा चुकी है। इसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, शेष सभी नेगेटिव रहे हैं। श्री गंगानगर आई प्रवासी महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के उपरांत उसके परिवार के कम से कम 2 सदस्यों की सैंपलिंग की जा रही है। पीएमओ डॉक्टर के एस कामरा ने कहा कि महिला व उसके परिवार के सदस्यों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया था। वहीं अन्य लोगों की सैंपलिंग का कार्य भी किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आने की संभावना है। श्री गंगानगर जिले के घड़साना थाना इलाके में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 पी गांव के पास खेत में बकरियां चराते समय कालूराम नामक युवक की करंट लग गया था। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके भाई बलदेव की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कालूराम खेत में बकरियां चराने के लिए गया था। रास्ते में एक तार टूटी पड़ी थी, वह तार की चपेट में आ गया, इससे वह बुरी तरह झुलस गया। श्री गंगानगर जिले के रावला थाना इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। पुलिस ने कहा कि वह जांच कर रही है। थाना पुलिस के अनुसार 15 MD निवासी इंद्राज कुमार ने मर्ग दर्ज करवाई है कि उसका ममेरा भाई पसराराम निवासी 6 PSD की जहर खाने से मौत हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। श्री गंगानगर शहर में एक बार पुनः लूटपाट की घटनाएं आरंभ हो गई हैं। आज बुधवार को जवाहर नगर इलाके से एक युवक से मोबाइल लूट लिए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि अग्रसेन निवासी दिनेश कुमार बंसल नामक व्यक्ति पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। शाम को करीब 5 बजे वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसी दौरान बाइक पर आए 2 युवक उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। थाना प्रभारी राजेश सियाग ने बताया कि दिनेश बंसल की रिपोर्ट पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री गंगानगर जिले की रावला थाना पुलिस ने बताया कि एक युवक को मादक पदार्थों सहित गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी निकेत पारिक ने बताया कि राजू राम निवासी पूना सर जोधपुर को 1.5 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। वह करीब 3 माह पहले रावला में ही अपने रिश्तेदार के पास मिलने के लिए आया था। उस दौरान कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया, इससे वह अपने गांव नहीं जा सका और वह यहीं पर ही मादक पदार्थों की तस्करी करने लग गया। थाना प्रभारी ने बताया कि कल शाम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजूराम गांजा लेकर घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने आदेशित किया है कि हाई रिस्क जोन ग्रुप में शामिल लोगों के स्वास्थ्य की जांच को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रारंभिक स्तर पर इलाज के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित हो। कोरोना से लोगों को जीवन को बचाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाना चाहिए। कोविड-19 के संक्रमण में मुख्यतः मरीज के ऑक्सीजन सैचुरेशन के स्तर पर श्वसन दर को उचित स्तर बनाए रखना अति आवश्यक है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से एक बार पुनः बसों का संचालन आरंभ हो गया है। बस से चलने की सूचना के बाद यात्री भी बड़ी संख्या में मुख्य बस स्टैंड पहुंचे हैं। रोडवेज के प्रबंधक मनोज बंसल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से तहसीलों के लिए यात्रियों की मांग के अनुरूप बसों को चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अंतर जिला स्तर पर भी बसों का संचालन आरंभ हो गया है। ACB की टीम ने आज बुधवार को अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय से LDC कैलाश चंद यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। LDC की ओर से प्रसूति अवकाश के क्लेम पास करने के एवज में 5,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी प्रताप ने कहा कि उसकी भाभी के क्लेम के लिए लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन 60,000 की राशि अटका ही रखी थी। बार बार कहने के बाद भी बाबू द्वारा 5,000 की मांग की गई, इसमें 2,000 पहले दिए गए और ACB की टीम ने 3,000 देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में घरेलू विवाद के चलते लगी आग में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई और उसका अपाहिज पति गंभीर रूप से झुलस गया।
वह इस स्थिति में समय क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में स्थित अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। घटना हैबोवाल कलां के रघुवीर पार्क में घटी। जगतपुरी चौकी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मलकीत सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे एक कॉल आई तो उक्त इलाके में आग के कारण एक दंपति जल गया है। वह तत्काल मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस की मदद से 58 वर्षीय महिला चंचल जैन व उसके 62 वर्षीय अपाहिज पति सुनील जैन को 85% झुलसी अवस्था में चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां देर शाम को घावों की ताव न सहते हुए चंचल ने दम तोड़ दिया, जबकि नीरज का उपचार चल रहा है। पंजाब पुलिस के कर्मचारियों और अफसरों पर भ्रष्टाचार, फिरौती और तस्करी की संलिप्तता के 3487 केस दर्ज हैं। अब विभाग विशेष पॉलिसी के तहत इन पर एक्शन लेगा। ऐसे सभी कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध विभाग सख्ती करते हुए उन्हें डिसमिस कर देगा, जिसकी भ्रष्टाचार, तस्करी, गैंगस्टर्स, फिरौती आदि के मामलों में संलिप्तता पाई जाएगी या कोई आम व्यक्ति उसके खिलाफ धक्केशाही की शिकायत करेगा और वह सही पाई जाएगी, इसके लिए पुलिस विभाग एक विशेष पॉलिसी बना रहा है। इसके तहत सभी दागी पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों का डाटा भी सूबे में सभी जिलों से जुटाया गया है। पंजाब के फाजिलका में कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए सरकारी तंत्र का हर मंच अपने हिसाब से काम कर रहा है। पंजाब में मास्क नहीं पहनकर बाहर निकलने पर 500 रुपए जुर्माना है। वहीं बुधवार को एक बड़ी रोचक घटना सामने आई है। दरअसल फाजिलका का एक प्रेमी जोड़ा शादी करके सुरक्षा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान जब जज की नजर मास्क नहीं पहने दुल्हा दुल्हन पर पड़ी तो उन्होंने दोनों को 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर फाजिलका के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करानी होगी और इसे जिले में मास्क वितरण पर खर्च किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।